हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट को लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO के द्वारा रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम DRDO के द्वारा जारी इस भर्ती अधिसूचना के संबंध में आप लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो इस भर्ती अधिसूचना से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO द्वारा रिसर्च एसोसिएट के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों की इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रवेश साक्षात्कार या वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। वहीं भर्ती अधिसूचना से संबंधित संक्षिप्त विवरण की बात करें तो भर्ती का नाम है DRDO रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2023। वही विभाग का नाम है भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जारी अधिसूचना के अंतर्गत रिसर्च एसोसिएट के कुल 3 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभाग के द्वारा अधिसूचना निकाला गया है। वही रिसर्च एसोसिएट के जॉब लोकेशन की यदि बात किया जाए तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार TBRL रामगढ़ में पदस्थ होंगे और वहां पे कार्य करेंगे। वहीं आवेदन फॉर्म का जो माध्यम है वह है प्रवेश साक्षात्कार या वॉक इन इंटरव्यू। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें उम्मीदवारों का जो चयन है वह वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार या इंटरव्यू का आयोजन 25 एवं 26 जुलाई 2023 को किया जाएगा। वहीं पदों के विवरण की बात करें तो रिसर्च एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुल 2 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना निकाला गया है एवं रिसर्च एसोसिएट भौतिकी के कुल 1 पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इस प्रकार से देखें तो विभाग के द्वारा कुल 3 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। वही साक्षात्कार संबंधी विवरण के बारे में यदि बात किया जाए तो साक्षात्कार का जो स्थान होगा वह टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब TBRL सेक्टर 30 चंडीगढ़ होगा एवं साक्षात्कार के पश्चात जो कार्यस्थल होगा वह होगा TBRL रेंज रामगढ़। यानी कि साक्षात्कार होने के पश्चात चयनित उम्मीदवार TBRL रेंज रामगढ़ के अंतर्गत कार्य करेंगे। अब पदों से संबंधित पात्रता शर्तों के बारे में देख लेते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD या समकक्ष डिग्री या MTech ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और विज्ञान उद्धरण अनुक्रमित या SCI जर्नल में कम से कम 1 पेपर के प्रकाशन के साथ अनुसंधान शिक्षण या डिजाइन और विकास में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। वही रिसर्च एसोसिएट भौतिकी के पद के लिए आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार से है। भौतिकी में PhD या समकक्ष डिग्री या भौतिकी में स्नातकोत्तर और विज्ञान उद्धरण अनुक्रमित या SCI जर्नल में कम से कम 1 पेपर के प्रकाशन के साथ अनुसंधान शिक्षण या डिजाइन और विकास में 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। वहीं पदों के भर्ती से संबंधित आयु सीमा की यदि बात किया जाए तो वॉक इन इंटरव्यू की तिथि पर आवेदक की आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान किया जाएगा। SC एवं ST वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष एवं OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ओके, वहीं वेतनमान की बात करें तो रिसर्च एसोसिएट के पदों पर प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिमाह ₹54,000 प्लस HRA प्रदान किया जाएगा। वहीं DRDO के अंतर्गत जारी इस भर्ती अधिसूचना के लिए अप्लाई कैसे करें उसकी बात करें तो योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 25 जुलाई 2023 एवं 26 जुलाई 2023 को साक्षात्कार के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन अवश्य कर लें एवं अपने पात्रता संबंधी सभी मापदंडों को चेक कर लें जिससे कि आपकी पात्रता सुनिश्चित हो सके। ये तो थी DRDO के अंतर्गत रिसर्च एसोसिएट जॉब से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप
इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से के लिंक पर भी जा सकते हैं और वहां पर जाकर इससे संबंधित भर्ती अधिसूचना का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।